अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं. इनफैक्ट आप यूट्यूब पे जाके भी जब कमेंट्स देखेंगे, चाहे सॉन्ग्स के हैं ट्रेलर के हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. इट्स वेरी इनकरेजिंग क्योंकि वायरल हो गया था ट्रेलर, गाना भी काफ़ी मिलियन व्यूज़ पहुंच चुके हैं. पता नहीं कितने में, एक्चुअली बैड विद नंबर्स, आई डोंट नो, बट इट्स लॉट ऑफ फन. 5 के तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं. सो या इट्स गुड फन एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. वेरी एक्साइटेड या व्हेन जब मैंने कहानी सुनी थी तभी मुझे लगा था कि बहुत फनी है, बट इतनी पसंद आएगी ऑन ट्रेलर. वी वर एक्चुअली क्वाइट लाइक ओके. जितने मीम्स बन रहे हैं ऑन द वेरियस डायलॉग्स, जो राइटिंग है आउटस्टैंडिंग. मुझे वो वाली बहुत पसंद है विजयराज सर की. अंतर होता है क्या इन दोनों में? गालिब और गालिब में, अंशुमन और आयुष्मान में. 30% लोग मुझे अंशुमन ही बुलाते हैं बचपन से. सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम प्रोबेबली अंशुमन आल्सो. ओके, आज का जो सॉन्ग है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा. बहुत ही फन लग रहा है, मराठी कॉस्ट्यूम में दिख रही है मैम और आप एकदम अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं. मैं बयान यार मैं अभी बयान नहीं कर सकता कि कॉस्ट्यूम क्या है. मतलब इट्स सो फुल ऑफ कलर्स कि इस पे इतने कलर्स मैंने आज तक, वो बचपन खेलते टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर यू वांट, यू कैन प्ले दैट विद माय कॉस्ट्यूम. बट राइट नाउ इट्स लॉट ऑफ फन. बहुत ही बड़ा गाना है ये, गणपति गाना है और गणपति सीजन में पक्का रॉक करने वाला है गाना. और ये मराठी फोक सॉन्ग है और दादा कुंडके के टाइम का गाना है. सो लॉट ऑफ फन. इट्स पहली बार मैंने ऐसे रेन सीक्वेंस में, बारिश में गाना किया है जहाँ पैर स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा बाल कहाँ है, मेकअप कहाँ है, सब उतर गया है. वी हैव नॉट बॉदर्ड, बट इतना मजा आया, इतना मजा आया. द मिनट द रेन केम ऑन आई सेड ये होता है. आई फेल लाइक आई वाज इन अ डांस पार्टी, रेन डांस पार्टी. या फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि मेरी फिल्मों में ऐसे गाने नहीं होते. मतलब वो बड़ी बहुत रियलिस्टिक होती हैं. यहाँ पे सब कुछ वो कर रहा हूँ जो मैं आज तक नहीं किया है. लाइक रेन डांस हो रहा है, फुल डांस, मतलब फुल नगाड़े के साथ डांस कर रहे हैं. सो बहुत मज़ा आ रहा है. ओके सर, आप दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फर्टर्निटी में और इस सॉन्ग में भी एक कोई फीचर कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ बता पाए थोड़ा. यार अभी बता सकते हैं, अलाउड है क्या? मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम, कैन वी टेक द नेम ऑफ द गेस्ट हू इज फीचरिंग इन द सॉन्ग? नो, बता सकते हैं अभी? नो. देखो ऐसा है, ऐसे एम्बार्गो. तो हाँ तो बोल सकते हैं ना. ऑफ कोर्स मैं रितेश भाऊ का बहुत बड़ा फैन हूँ. बहुत सालों से बहुत बड़ा फैन हूँ रितेश देशमुख का. एंड आज तो मजा आ गया शूट करके. मतलब द वे ही डांसेस एंड ही इज कनेक्ट विद महाराष्ट्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उस कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं पूरा अपनी फिल्म के लिए. और वो उस फिल्म की स्टार्टिंग में, गाने की स्टार्टिंग में यही बोल रहे हैं कि अक्सर जो डांस नंबर्स होते हैं, प्रमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, पंजाबी के होते हैं, हिंदी के होते हैं, मराठी गाना क्यों नहीं होता? दिस इज दैट मराठी सॉन्ग. एंड आई वाज तो ही वाज राइट हियर, आई वाज हियर. तो मैं एक्चुअली कैमरा भूल के उनको देख के स्टेप करी थी. आई सेड ओके, लाइक आई वाज वाचिंग यू, इट वाज टू गुड. ओके सर, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजेदार, धमाकेदार. बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ. एक तो मेरा एक स्टार्टिंग में एक स्लो मोशन वॉक है उनके साथ. मैं नॉर्मली फिल्मों में स्लो मोशन वॉक नहीं होता है, दे वेरी रियलिस्टिक फिल्म्स. वही बोल रहा हूँ मैं इस फिल्म में वो कर रहा हूँ जो आज तक नहीं किया मैंने. सो स्लो मोशन वॉक उनके साथ की, उनको देखा है, ऐसे हाई फाइव दिया, फील आ गई. मतलब हर तरह की फिल्म करना चाहता हूँ. ऑफकोर्स ये बाला जो है ये बहुत ही अलग है. जैसे आर्टिकल 15 पिछली थी उससे बिल्कुल ही डायरेक्टली ऑपोजिट ये फिल्म है. अगली जो बाला होगी वो आई थिंक इट विल बी इन मिडिल, इन बिटवीन ड्रीम गर्ल एंड आर्टिकल 15. सो आई वुड लाइक टू डू एवरी काइंड ऑफ फिल्म. ओके सर, आवर फन मोड बहुत ही यूनिक है जो आपका कैरेक्टर है, इसमें आप फीमेल का वॉइस निकाल रहे हैं. सो कैसे आपने कभी पर्सनली कभी किसी को ऐसा टीज किया, मस्ती की है इसके साथ? किया है. जब मैं 14-15 साल, तुमने किया कभी? कैसे मर्दों की आवाज़ निकाल? नहीं नहीं, कभी तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें फोन किया और लड़की की आवाज़ निकाल के स्कूल के टाइम पे और मम्मी से बात करते हुए तुमसे बात की हो? कभी नहीं किया? लेकिन अगर मम्मी या उनके पापा उठा लेते तो मैं, जब मैं 14-15 साल का था तो मैं लड़की आवाज़ निकाल के बात कर लेता, तो आराम से लंबी बात हो सकती थी. नहीं तो पेरेंट्स हमेशा देखते हैं लड़के का फोन है, तो इट वर्क्स. ओके, लाशी 13 को आ रही है, रिलीज हो रही है. सो क्या कहना चाहेंगे इन, अगर मराठी स्टाइल में अगर कहना चाहेंगे, बिकॉज आज मराठी सीक्वेंस हो रहा है. सो देखो ऐसा है, मैं मुझे पंजाबी लिखनी पढ़नी आती है, मराठी वो सगड़ा समझता है.
पर बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ समझ में पूरा। ये मुंबई से, इसको इसको पूछो। आई एम गुजरात से, गुजराती, बट लाइक ये कुछ बोलो ना, रिपीट कर दूंगा। हां बोलो, अरे कुछ बोलो ना। ओके सर, मराठी में क्या बोल सकते हैं? अपनी आपली फिल्म, मैं बता रहा हूं, ड्रीम गर्ल, 13 तारीख, 13 तारीख ला रिलीज होणार, लेट्स से दैट टुगेदर। आपली फिल्म ड्रीम गर्ल 13 तारीख रिलीज होणार, रिलीज होणार, वेरी होणार, बहुत होणार है, बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट या सॉरी, दोबारा बोलते, ऐसे मत करो, फिर से एक टेक लेंगे, दोबारा बताओ क्या बोलना है। आपली फिल्म ड्रीम गर्ल 13 तारीख तारीख ला आपली फिल्म ड्रीम गर्ल 13 तारीख ला रिलीज होणार, सिंपल।